अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमर राव गुजरे दे पे यूट्यूब चैनल कुआरे मोले आज ऐसा था उन दरिया की सूरत हाल लिखे ने माशाल्लाह माशाल्लाह पाक दैसा ने दरिया तकरीबन मेरी हदूद के मुताबिक निशानी के मुताबिक फुट खान लै गया है ते 30 मार दा पिया। बाकी तो कोई खतरा कह नहीं, अल्लाह मेहरबानी करे सी, क्योंकि 30 नाना लोगों ने कुछ बन दे त्रियाई सा चौथाई सा चो वेंदे, क्योंकि 30 बहुत ज़्यादा मार दा पिया है। कुछ दस रहे कोई आवाम कोई इलाके दे हर कोई तकरीबन मेरे ख्याल ना दरिया सतलुज तो एडे को डुक होया भी है। ये आवाम मतलब बंद पानी के कान लाई खड़ोती है, देख दरिया सतलुज आवन नाल हम आवाम साफ जहरे पानी लाता पिया, कोई फसल लाई खड़ोता है, कोई बनवाड़ लाई खड़ोता है, कोई कान तो कोई मक्नी में आवाम पानी छानी लाई खड़ोती है। बाकी फिलहाल तो कोई खतरा शतरा कह नहीं, क्योंकि पानी बहुत ही लह गया है। ये 30 पे जड़ी अपन नुकसान दे सी, बाकी शाकी कोई अल्लाह पाक की मेहरबानी है, कोई खतरा शतरा कह नहीं। अच्छा दरिया के किनारे ते कल तकरीबन खड़ोते हैं डू शरी, सवेर सवेर नाल खड़ोते हैं ते सेकंड टाइम डिठा है और डू शरी कह नहीं खूब मेरे ख्याल तकरीबन पुरी गया सी, वो पखा पैम पाई हो गया। बहुत ज़्यादा दरिया के किनारे बहुत ज़्यादा नुकसान किए जाते, क्योंकि उतू मिट्टी चा चा तो राह बनाई जाता है। बाकी कोई खतरा शतरा कह नहीं, देख लो ये पानी है, बाकी अल्लाह पाक की मेहरबानी है, कोई नुकसान नुकसान हाली कह नहीं किए से, क्योंकि आ देते हैं पानी भी एक दुबारी रेला सी सही, अल्लाह खैर करे अल्लाह मेहरबानी करे सी भी या कोई कह नहीं। ये देख लो हम इत पानी आता भी है, ये आवाम बराई खड़ोती फसल वगैरह पानी आया लादा वेंदा, क्योंकि चढ़िया तो वातावरण फसल नहीं भरें आए पानी लादा वेंदा, इस वजह तो वहां फसल शसल भरें पी, क्योंकि एक तो सच्चे बिजली महंगी है। कुछ लोग आते हैं दरिया राह न दिखाओ, राह दिखा ही तो उड़ाई पलट पाना। बाकी कोई खतरा शतरा कह नहीं, ये सारी सूरत हाल तो सामने पी। बाकी सिलाब वगैरह चढ़ा पता तो बाकी कोई खतरा शतरा कह नहीं, अल्लाह मेहरबानी कर सी। हाँ तुम मैं आख बिरावन खूबसूरत मनाजर दिखा लवा, पानी की सतह बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा है भाई। बाकी 30 भाई जरा नुकसान कर दी भी या कुछ कह नहीं, 30 की वजह तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि पानी टुटन के खतरे होते नाल टुटन के कुछ के अद्धे अद्धे लोग आते सारे 30 ना बांध चो गए। ये कोई गंदी बूटी लुड़ी होती है, ये भी ठीक है बांध नाल खड़ो गई है, तो ये भी अपने वास्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर ये बूटी शूटी सार वगैरह ना आती तो लोगों को बांधनी बहुत मुश्किल, पहले गल जली में ना तो 30 ना लोड़े मिले ना। मैं कह भाइयों दरिया के कुछ नज़ारे चेक करा लव, बहुत ज़्यादा पानी लग गया, बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह मेहरबानी करे सी, अल्लाह हिदायत देवे पिछा जे पानी लौड़न आए तो पिछे गलन आए, क्योंकि बाकी फिलहाल तो कोई मसला शसला कह नहीं। मैं आख्या सुबह सुबह उठते ना भाइयों ने दरिया सतलुज के नज़ारे दिखा लव, रात थी समझे इतने सिक्योरिटी करते समान से तकरीबन 15-20 बंदे होने डू डू जो जोड़ी बन पी है, 15-20 मिनट बाद चक्कर चक्कर ला लेने, क्योंकि सुनते पे एक जगह से रेस्क्यू लाइए उस बन टोरन की कोशिश की है, तो आवाम पकड़ जंप है तो बई जगह से भालपुर की कोई माई आई है, याद नो कोई ठाकर माई आई वो आइए उ बन टोर की पी आई उन्होंने गाले शाले तो कटिया ने भाई आखिर पिछा भालपुर बुझा, बाकी कोई रौला शौला पे देखो 30 बहुत ज़्यादा मार दी है। इस 30 की वजह तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पानी टुटन का भी खतरा होता है। बाकी एहतियात की करो बांध से, सिक्योरिटी की करो, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, रस्ते पैन भाई बंदे पैसे लैते ना बांध शांड त्रोड़ते पैन, क्योंकि रात ही सारे को त्रै बंदे आए थे, अस तो लड़े छड़े तो कुछ नहीं है, बाकी ना कल पुछो ना आख भाई चक्कर शक्कर लाने आज हानी अनजान बंदे, ये सारे चाचे खड़ोते हैं जेड़ा सुबह सुबह गा वड़ते खड़ोते हैं, इंजॉय करते खड़ोते हैं ठंडे मीठे मौसम दे। ठीक है मेहरबानी, शुक्रिया, मिलसू नेक्स्ट वीडियो दे विच।